हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निमिषा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए आज के वीडियो की तरफ हम चलते हैं। तो आज मैं ब्रेकफास्ट रेसिपी लेके आई हूँ, कैबेज पराठे की वीडियो लेके आई हूँ। बच्चों को लंच बॉक्स में या ब्रेकफास्ट के लिए आप बना सकते हैं, तो एकदम बढ़िया है। अचार या थोड़े से दही के साथ सर्व कीजिएगा, एकदम बढ़िया कॉम्बिनेशन लगता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कैबेज पराठा कैसे बनाना है, एकदम सिंपल और एकदम टेस्टी पराठा। सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करने रख लिया था, उसमें हमें जीरा चटकने देंगे, उसके बाद हींग डाल देंगे और एक मैंने प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, हरी मिर्ची और अदरक को ग्रेट करके ले लिया है। हरी मिर्ची को बारीक चॉप करके ले लिया था। उन सारी चीज़ को हमें सौते कर लेना है। उसके बाद मैंने 250 ग्राम कैबेज और एक कैरेट को ले लिया है। कैरेट ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड कीजिएगा, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ को अच्छे से हमें सौते कर लेंगे। तो इसके अंदर मसाला ऐड कर लेते हैं। चाट मसाला मैंने 1 टीस्पून डाला है, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून डाला है और लाल मिर्ची पाउडर 1 टेबलस्पून जितना डाला है मैंने। तीखा जितना आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और एकदम हमें सॉफ्ट करना नहीं है, हमें थोड़ा सा क्रंची रखना है। तो स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर लें। तो बस इतना ही करेंगे हम। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं, अब इसे हमें ठंडा होने देंगे। तो हम जैसे नॉर्मल चपाती बना का आटा गूंदते हैं ना, उसी तरह से मैंने आटा गूंद के ले लिया है। अगर आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया है। तो मैंने एक बड़ी सी लोई ले ली है, उसे बेल लेना है। बीच में से पतला नहीं करना है, साइड में से किनारे से हम पतला कर लेंगे और स्टफिंग अच्छे से फुल भर के हमें ऐड करना है इसके अंदर। उसके बाद में इस तरह से थोड़ा आटा डस्ट करके हम हल्के हाथ से, बहुत प्रेशर देना नहीं है, हल्के हल्के हाथ से हम इसे बेल लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक पराठा बेल के रेडी हो चुका है। जब इसे सेक लेते हैं तो एक मैंने तवा रख लिया है गर्म करने के लिए, तवा गर्म हो जाए उसके बाद में हम इसे डाल देते हैं। उसके बाद में हम इसे पलट लेंगे, एक साइड हो जाए, उसके बाद में हम उसके ऊपर तेल लगा लेते हैं। आप अगर चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पराठा खाना एकदम तेल में अच्छा लगता है, तो इसकी वजह से मैंने तेल ऐड कर लिया है। तो दोनों साइड से अच्छे से हमें सेक लेंगे, जब तक अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए तब तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पे कर लेना है। तभी आप देख सकते हैं अच्छे से सेक चुका है हमारा ये पराठा, तो सर्व करने के रेडी हो चुका है। इस तरह से हमारा कैबेज पराठा रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा।